नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं टीएम पब्लिक स्कूल जो कि राजीव कॉलोनी सेक्टर 56 फरीदाबाद स्थित है, और उनके बच्चे और टीचर हमारे साथ मौजूद है। आज का प्रमुख विषय है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना कारगर होगी शिक्षा के क्षेत्र में। मैडम आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। एआई आखिरकार है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से बदलाव ला सकती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑडियंस एंड थैंक यू। आई एम साक्षी साहा एंड आई एम एन इंग्लिश लेक्चरर इन टीएम पब्लिक स्कूल। थैंक यू सो मच सर फॉर रेजिंग दिस कंसर्न, एज एआई इज अवेलेबल एट इन एवरीवेयर दिस टाइम। देर आर मेनी पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ एआई, सो लेट मी जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस इट। AI is basically artificial intelligence, which itself says intelligence that is artificial. What is it? Basically, it is a technology that has been made to perform tasks by the machines and computers, which a human can do according to the human tendency. So it is made for the efficiency for people. Talking about in education sector, AI is very powerful. It has been in various fields, from our smartphones to aeronautics. AI is present in everywhere. In education specifically, we can say it has been proven that it helps in personalization in education. For example, in schools we use AI for making question papers, for example. So in question paper there are just limited in our books there are just limited content. So with the ChatGPT and many AI assistants, we can create numerous and different kind of question papers according to the students. There are many platforms and apps like Testbook, Olive Board and Smart Kira, which has conducted mock test also for students, various students of any department of any course. By giving that, आपसे सवाल ये है कि यार TM Public School AI का यूज करता है बेहतर तरीके से, और करता है तो किस सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे कि टॉपिक पे कोई एक टॉपिक बताएं। Okay, so as I told you, for making question papers, आप बता सके तो ज्यादा बेहतर। Okay, sorry sir. TM Public School में AI का बहुत ही अच्छे से यूज करा जाता है, for example क्वेश्चन पेपर्स बनाने में। जैसा मैंने बताया आपको, क्वेश्चन पेपर्स स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इन द सेंस टॉपिक वाइज एंड देन डिफरेंट काइंड, एंड उसके बाद उनका एनालिसिस बहुत इजी होता है। द मेन थिंग इज एनालिसिस। आपसे थोड़ी देर बात करता हूं, पहले बच्चों से जाता हूं। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम पलक है। एआई पर क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे फ्रॉम स्मार्टफोन्स इन आवर पॉकेट टू द कार वी ड्राइव, वी ऑलरेडी एआई इज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग आवर लिव्स in a way we never thought possible. AI is refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to learn, work and making decisions in a way we never thought possible. AI system is designed for many purposes, like solving problems, judgments and making solutions, etc. AI are of two types, narrow AI that is called weak AI, and the general AI that is the strong AI. Narrow AI that is this type of AI is used for many specific. बेटा आपसे एक सवाल है कि सिर्फ AI आपके शिक्षा में कुछ फायदा करेगा? Yes, why not? आप बताएं बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम उन्नति है, मैं TM पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। बेटा AI देखिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इसका कोई गलत इफेक्टिव हो सकता है? यस सर, जैसा कि हम देखते हैं कि हर चीज़ के जितने अच्छे इफेक्ट्स होते हैं उतने ही बुरे इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं AI के, जैसे कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होता है AI से काम करवा लेते हैं, बट इसका लॉस एक तरीके से ये भी है कि जो हम इंसान हैं, हम जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती जा रही हैं, बहुत रेयर केस में हम लोग जॉब ले पा रहे हैं, और कई मतलब बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। आप एक चलिए ठीक, गुड। आप बताएं बेटा, इनकी तरह बताएं कि कोई ऐसी एग्जांपल के तौर पर अच्छा या बुरा कुछ भी होता है AI का? सर देखिए, अच्छा तो ये है कि मतलब इसमें हमें पैसे कम देने पड़ रहे हैं,
और टाइम पे काम हो जा रहा है। हम लाइक एआई में काम सेट करेंगे कि हमें 2 बजे उठाना है तो 2 बजे उठाएगा, एंड कोई पर्सन को बोलेंगे तो वो हो सकता है थोड़ी बहुत देर लेट हो जाए। ठीक है, एक तो ये फायदा है। और सर इसका डिसएडवांटेज ये है कि सर मतलब इससे लोगों की बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। चलिए गुड, देखिए इस बेटे ने बहुत अच्छा आपको एग्जांपल बताया कि एआई क्या, अगर जैसे कि हम पहले बेड के साथ एक क्लॉक रख दिया करते थे कि सुबह हमें 4 बजे उठना है, तो उस तरीके से मान लीजिए ऐसे ही समझाना चाह रहे हैं बेटा। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो इन्होंने ये कहा है कि लेकिन अगर हम किसी पर्सन से कहेंगे आपने मुझे 5 बजे सुबह उठाना, तो हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए। एआई के फायदे भी लेकिन नुकसान भी अलग अलग तरीके के हैं। जी मैम, मैं आपके पास आता हूँ। बेटा आप बताएं, क्या नाम है आपका? श्रेया। बेटा एआई का कोई एक फायदा बताएं आप, आपकी एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करता है? सर जैसे मैम ने आपको बताया कि चैट जीपीटी से हम लोग क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हैं, और इसमें ना बहुत तरह के फायदे होते हैं कि अगर बच्चा जैसा हमारा पढ़ रहा है उसके हिसाब से हम जो उसको हमने क्लास में पढ़ाया गया है उसके इसके लेवल में हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर कि बच्चे का कैसा है वो पढ़ने में, उसके हिसाब से एजुकेशन में बहुत काम आता है। या मैम ने अभी आपको फील्ड्स बताई थी, कौन कौन सी ऐप्स बताए, उसमें बहुत काम आया एजुकेशन। आई मैम, मैडम कोई उदाहरण के तौर पर आप मुझे ये बताएं कि इसको किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जा सकता है। सही इस्तेमाल का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हमें इग्नोर करना होगा इसको यूज़ करते वक्त, अदरवाइज ये हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। तो इन बच्चों को खास करके लड़कियों की आप बताएं। सर AI जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा गूगल वगैरह पे हम कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें वो परमिशन मांगते हैं, परमिशन फॉर योर कॉन्टैक्ट्स, फॉर योर गैलरी, फॉर एवरीथिंग। सो वी नीड टू थिंक कि हमें किस चीज़ की परमिशन देनी चाहिए, किस चीज़ की नहीं देनी चाहिए, सिंस वो हमारे फ़ोन का, हमारे डेटा का एक्सेस ले लेता है, जिसकी वजह से हैकर्स और जो बाकी लोग होते हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। पीपल स्टिल थिंक दैट फोन इज समथिंग वेरी कन्वीनियंट, बट उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक और चीज़, AI जो है वो लोगों को लेथार्जिक बनाता जा रहा है, उनको डम बनाता जा रहा है। जैसे पहले लोग कुछ कोशिश करते थे, अगर उन्हें कोई काम करना है वो सर्च करते थे, वो करते थे, अब वो अपनी फिंगर टिप्स पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन समवेयर वो लोगों को लेथार्जिक बना रहा है, उनके माइंड को, उनकी बॉडी को डम बनाता जा रहा है। चलिए कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में कि टीएम स्कूल क्या AI को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा है? यस सर। आप इसलिए ना बताएं कि आप इनके यहाँ के टीचर हैं, आप क्योंकि आप के सर्कल में और भी टीचर होंगे और बहुत सारे स्कूल होंगे और ऐसे बच्चों आपके साथ, आपके बच्चे आपके साथ के होंगे जो अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं। तो AI क्या सिर्फ TM स्कूल में बेहतर तरीके से यूज हो रहा है या अन्य स्कूलों में आसपास के में होता है? सर आप लोग आपस में बातचीत करते हैं उसके बिहाफ पर? यस सर, बट दिस इज माई फर्स्ट जॉब हेयर एंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है और ये स्कूल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दे हैज़ बीन रिसेंटली अवेयरनेस कैंप जहाँ पे बच्चों को सिखाया गया था कि आपको मोबाइल का, लैपटॉप का, स्पेशली जो स्क्रीन्स होती हैं आपकी, उसको किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। तो जब आप बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं कि हमें किस चीज़ का यूज़ कैसे करना है। तो ये चीज़ स्कूल की मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट जो रिसेंट टॉपिक्स होते हैं वो इन पे बच्चों को अवेयर करवाते हैं। फॉर एंड द सेकेंड थिंग इज रही बात AI की, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को यूज़ करना चाहिए एंड TM स्कूल इज रियली वेरी डूइंग वेरी वेल इन AI प्रोग्राम्स। बेटा आप सबसे भी एक अपील है कि अगर आप सोशल मीडिया पर आपका कोई अकाउंट है तो उस पर आप संपूर्ण जानकारी अपनी ना डालें, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, अपना फ़ोन नंबर या कोई अन्य कोई, जैसे कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो हाइड करके रखें, जो आपके बहुत क्लोज उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके सर्कल में है सिर्फ वही देख पाएँ और कोई ना देखे, जिससे कि आपकी प्राइवेसी भी रहेगी और AI का मिसयूज भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।